हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उनमें हमें जो फ्रैक्शंस गिवन है स्टूडेंट्स, हमें उनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5:1/4। तो इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पर लिख लिया है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5:1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे? 4 × 5 20, 20+1 करेंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में 21 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 है तो वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। तो ये 2/5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 21/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है। ये 4 और 2 आपस में सॉल्व किए जा सकते हैं, ये दोनों ही 2 से कटेंगे। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ पर 21 है, तो 1 × 21 यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 21 यहाँ न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 21, डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है यहाँ पर 2 है तो 5 × 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10। अब हमें क्या आंसर मिल गया है? 21/10। लेकिन क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो अगर आप चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ 21 को हम डिवाइड करेंगे 10 से, 10 × 20। 21 में से 20 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया है, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में शो कर सकते हैं। ये जो क्वोशेंट है 2, इसको सबसे पहले यहां लिखेंगे, ये जो रिमाइंडर है 1 ये यहां पर आएगा और अपॉन में ये डिवाइजर 10 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया है 2:1/10। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 6:2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। यहाँ सॉल्यूशन में पहले तो हमने ये क्वेश्चन एज इट इज नोट कर लिया है, 6:2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। अब ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, इसको पहले हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 5 × 6 30, 30+2 करेंगे तो न्यूमरेटर में यहाँ 32 आ जाएगा, अपॉन में 5 है तो ये अपॉन में 5 एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई बाय ये 7/9 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब यहां पर हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 32 × 7 करेंगे तो आपको मिलेगा 224, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 224 और डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है और यहाँ 9 है तो 5 × 9 45 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 45। हमारा आंसर तो यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए यहाँ पर ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से छोटा है, तो अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करके दिखा सकते हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ पर 224 को हम डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 × 4 होता है स्टूडेंट्स 180। तो 224 में से अगर आप 180 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 44। जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया है, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। ये जो क्वोशेंट है 4, ये हम यहाँ लिखेंगे, ये रिमाइंडर 44 यहाँ पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर 45 आएगा। तो सेकेंड पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स 4:44/45। अब हम थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5:1/3। तो यहाँ सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लिया है, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5:1/3। अब ये 3/2 तो यहाँ एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आ गया। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, इसको हम चेंज कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 3 × 5 = 15, 15+1 16 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 16 आ गया, अपॉन में ये 3 है तो यहाँ पर ये 3 एज इट इज आ गया अपॉन में। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ न्यूमरेटर में 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 3 3 × 3। और देखिए ये 16 है न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 16 और ये 2 ये भी आपस में सोल्व किए जा सकते हैं, ये दोनों ही 2 से कटते हैं। देखिए 2 × 2 एंड 2 × 8 = 16। अब न्यूमरेटर में क्या बचा? यहाँ 1 और यहाँ 8, तो 1 × 8 आपको मिलेगा 8, तो यहाँ पर तो आ गया 8। और डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 × 1 1,
तो डिनोमिनेटर में आप वन लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का 8। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब भी हमें ये दिखता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट सकते हैं तो हम उन्हें काट देते हैं, और जब हमें दिखता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में नहीं कट सकते हैं तो उस केस में सिंपली हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया है 8। अब हम फोर्थ पार्ट को सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2:3/7। तो सॉल्यूशन में पहले तो हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज नोट कर लिया, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2:3/7। अब ये 5/6 यहाँ पर एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आ गया। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, अब हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए 7 × 2 = 14, 14 + 3 = 17 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 17 आएगा, अपॉन में ये 7 है तो यहाँ पर भी अपॉन में 7 आ गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट नहीं रहे हैं। तो 5 × 17 करेंगे तो आपको मिलेगा 85, तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा 85। डिनोमिनेटर में यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, तो 6 × 7 होता है 42, तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 42। अब वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाना चाहते हैं तो आप 85 को डिवाइड करेंगे 42 से, तो 42 × 2 होता है 84। 85 में से 84 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1। जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया है, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वोशेंट है 2, ये यहां पर आएगा, 2 यहां पर आया, रिमाइंडर 1 यहां पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर यानी के 42 आएगा। तो फोर्थ पार्ट का हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स 2:1/42। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।